नमस्कार, मणिगुरु में आपका स्वागत है। आज इंश्योरेंस बाजार के ऊपर चर्चा करेंगे, आपके इंश्योरेंस संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठाएंगे, चाहे वो टर्म प्लान से जुड़े हों या फिर मेडिक्लेम पॉलिसी से जुड़े हो। आप कोई भी प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं, शो का एक हिस्सा बन सकते हैं। अपने प्रश्न भेजने का तरीका काफी सिंपल है, आपको करना सिर्फ ये है कि आपको हमें एक ईमेल लिखना है। हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@zeenetwork.com। यहाँ पर जाकर अपना डिटेल प्रश्न इंश्योरेंस से रिलेटेड आप भेज सकते हैं। इसके अलावा हमें SMS भी कर सकते हैं मोबाइल के टेक्स्ट राइटिंग मैसेज बॉक्स में जाकर, इंश्योर लिखकर, INSURE इंश्योर लिखकर, उसके बाद अपना पूरा सवाल लिखकर हमें भेज सकते हैं 575 पर। चलिए आज आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष टुंगटा जी, जो कि CEO हैं अपनापैसा.com के। हर्ष जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। नमस्कार सर। साथ ही देख लेते हैं किन मुद्दों पे यहां पर सबसे पहले चर्चा करेंगे। ऑनलाइन टर्म प्लान्स इस समय काफी चलन में हैं, और कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनमें लेने में फायदा है, कौन सी ऐसी पॉलिसीज जो सस्ते प्रीमियम में उपलब्ध हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा टू व्हीलर इंश्योरेंस का मुद्दा भी यहाँ पर उठाएंगे, क्या टू व्हीलर का इंश्योरेंस होता है, कौन सी पॉलिसी लेना फायदेमंद रहेगा, और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का इंश्योरेंस कैसे कराएं, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। चलिए इसी बीच हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ चुके हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, शंख प्रदीप जी समय लाइन पे हैं वेस्ट बंगाल से। शंख प्रदीप जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। नमस्कार जी, मेरा प्रश्न है टर्म इंश्योरेंस के बारे में। I would like to know how important is term insurance as a insurance policy. Mm-hmm. And while choosing insurance, term insurance policy, mm-hmm. I've searched the net and I found that Kotak Mahindra mm-hmm. Life Insurance Ji. Offers very cheap, the premium rate is very cheap for the Kotak Mahindra Life Insurance. But I want to know whether it will be safe to buy that term insurance policy. Regarding settlement of claim, how safe it is regarding settlement of claim? चलिए आपको नजर दिलाते हैं, और आपने उम्र बताई है अपने 37 साल, और सैलरी आपने बताई है 36,000 रुपए पर मंथ। यस। चलिए आपको नजर दिलाते हैं हर्ष जी, 37 साल इनकी उम्र है, 36,000 ये कमाते हैं हर महीने, और जानना चाहते हैं कि इनके लिए जो लाइफ कवर होगा क्या वो टर्म पॉलिसी से पर्याप्त होता हुआ नजर आएगा, टर्म पॉलिसी का इंपॉर्टेंस क्या है, और खासतौर से इन्होंने कोटक लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर पूछा है, क्या इस कंपनी की पॉलिसी लेना इनके लिए फायदेमंद रहेगा, क्या प्रीमियम्स वाकई काफी सस्ते हैं बाजार में बाकी विकल्पों के कंपैरिजन। हाँ, और एक सवाल रजत इन्होंने ये भी रेज किया है कि क्लेम पेमेंट का क्या पोजीशन है जी। सो मेरे ख्याल से सिर्फ शंकर जी के लिए ही नहीं, बट सारे दर्शकों को ये मालूम होना चाहिए कि इंश्योरेंस में अगर जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं, अगर हमने सब कुछ प्रॉपरली डिस्क्लोज किया है, प्रपोजल फॉर्म अगर ऑनलाइन हो तो ऑनलाइन, लिखित में अगर कर रहे हैं तो खुद उसको भरें, हर चीज़ का सही सही जवाब दें, और अगर मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायर्ड है तो वो प्रॉपरली मेडिकल एग्जाम अगर आप करके आएंगे तो उसके बाद क्लेम नहीं मिलने का, अगर कंप्लीट डिस्क्लोजर आपने किया है तो क्लेम नहीं मिलने का, डेथ क्लेम नहीं मिलने का सवाल मेरे ख्याल से नहीं उठेगा। कोई भी डिस्प्यूट अगर आप देखें, डेथ क्लेम पेमेंट क्यों नहीं होते हैं, वो नॉर्मली नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट्स की वजह से ही पेमेंट नहीं होते हैं 90% ऑफ द केसेस में। स्पेसिफिकली इन्होंने कोटक के बारे में पूछा है, तो कोटक का अगर लास्ट ईयर का रिकॉर्ड हम IRDA के डेथ क्लेम पेमेंट के हिसाब से देखें तो जितने भी डेथ क्लेम हुए थे कोटक पर उसमें से 96% का उन्होंने पेमेंट किया है, तो काफ़ी अच्छा डेथ क्लेम पेमेंट रिकॉर्ड है। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ इसी को न देखें, आप अगर पूरा डिस्क्लोजर करेंगे तो आपको डेथ क्लेम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। रहा सवाल टर्म प्लान का, तो मेरे ख्याल से किसी भी आदमी के लिए टर्म प्लान एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है उसके फिनेंशियल प्लानिंग का, अगर उसकी इनकम पर कोई आश्रित है तो। अगर शंकर जी की इनकम पर उन्होंने मेरे ख्याल से लिखा था कि उनकी वाइफ और उनकी छोटी बच्ची हैं जो उन पे आश्रित हैं, उनकी इनकम पर आश्रित हैं वो, तो इनके लिए टर्म प्लान बहुत ही जरूरी, अच्छा ही नहीं रहेगा, बहुत ही जरूरी है। और इनकी जो इनकम है उसके हिसाब से एक्चुअली 12 टाइम के हिसाब से रफली, अगर दूसरे असेट्स नहीं है इनके पास तो रफली इनको एक्चुअली 45 से 50 लाख की पॉलिसी लेनी चाहिए, और अगर इन्होंने पूछा है 25 लाख की पॉलिसी तो रफली 25 लाख की पॉलिसी करीबन 5,000 रुपये तक आएगी। एगॉन रेलिगेयर से भी ले सकते हैं, कोटक प्रीफर्ड टर्म जो है ऑनलाइन ई टर्म प्लान है जी, वो भी ले सकते हैं। ये प्रीमियम इज एप्लीकेबल अगर ये स्मोकर नहीं है, कोई भी तरीके से तम्बाकू का सेवन नहीं करते, और इनकी हेल्थ एकदम परफेक्टली नॉर्मल है तो।
और अगर 50 लाख का लेंगे तो रफली प्रीमियम 6.5 से 7 हज़ार रुपया आएगा। अगेन एगॉन भी देता है और अवीवा लाइफ भी देता है, और शायद प्रीमियम्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है शंकर प्रदीप जी कि आपको डिटेल राय यहाँ पर ऑनलाइन टर्म प्लान्स के ऊपर मिल गई होगी। चलिए इसी बीच हमारे पास एक मैसेज आया है और प्रतीक सिन्हा जी का बिहार से मैसेज है। हर जी ये जानना चाहते हैं ऑटो इंश्योरेंस के ऊपर, और ये जानना चाहते हैं कि टू व्हीलर्स का भी बीमा होता है क्या, और कौन सा बीमा, किस कंपनी से यहाँ पर बीमा लें, और प्रीमियम कैसे तय करेगी यहाँ पर कंपनी, तो क्या सलाह देंगे? बीमा होता ही नहीं है, बीमा कराना जरूरी है। अगर आप बीमा थर्ड पार्टी, कम से कम बीमा कराना एकदम जरूरी है। अगर उसको बीमा कराए बिना अगर आप सड़क पे गाड़ी चलाते हैं तो वो कानूनन जुर्म माफ करते हैं। कम से कम थर्ड पार्टी प्रीमियम लेना बहुत जरूरी है। और टू व्हीलर का तो प्रीमियम बहुत ही कम होता है, फ्यू हंड्रेड रुपीज में लिटरली प्रीमियम होता है एक रेगुलर टू व्हीलर का। तो इसमें आपको ऑनलाइन लेने में ही सहूलियत होगी, और अब कई कंपनियां इस पॉलिसी को ऑनलाइन देती हैं, चाहे ICICI लोम्बार्ड हो, बजाज अलायंस हो, HDFC अर्गो हो, या रिलायंस जनरल इंश्योरेंस हो, ये सभी कंपनियां ऑनलाइन देती है। मेरे ख्याल से जो आपको सहूलियत लगती हो उनसे ले लीजिए, प्रीमियम में कोई बहुत ज़्यादा फर्क इसमें होता ही नहीं, क्योंकि प्रीमियम अमाउंट ही बहुत कम होता है। वैसे जनरली ऑटो इंश्योरेंस में क्या इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू पे यहाँ पर वैल्यू डिपेंड करती है प्रीमियम्स की? हाँ बिल्कुल, कार इंश्योरेंस की तरह इस पे भी इंश्योर्ड डिक्लेयर वैल्यू पे काम होता है। तो और उसका डिप्रिसिएशन होते रहता है हर साल जी। तो IDV गिरती रहती है, जो इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू है वो हर साल गिरती है, और उस गिरी हुई वैल्यू का जो प्रीमियम होगा वो फ्यू हंड्रेड्स में होगा जैसे मैंने कहा जी। चलिए यहाँ पर एक और प्रश्न आया है और SMS के जरिए ये प्रश्न है, दिल्ली से प्रिया जी का ये प्रश्न है, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का बीमा कैसे कराएं, इसके ऊपर प्रश्न है। ये जानना चाहती हैं क्या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी बीमा होता है, और किस कंपनी से संपर्क करना चाहिए, ऐसे कौन से विकल्प मौजूद है। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि काफी एक्सपेंसिव मोबाइल्स या फिर लैपटॉप्स यहाँ पर उपलब्ध हैं बाजार में, किसी ने खरीद लिया तो चिंता ही लगी रहती है कि चोरी हो गया तो या क्या उसकी भरपाई कौन करेगा, तो क्या कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी बीमा करती हैं? तो न्यू इंडिया का एक मोबाइल और सेलुलर फोन के लिए इंश्योरेंस है, उसकी प्रीमियम की डिटेल्स तो उनकी वेबसाइट से अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत कम लोग ये पॉलिसी लेते हैं इसलिए इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। वो नॉर्मली फायर, रायट, थेफ्ट वगैरह कवर करती है, एक्सक्लूजन्स भी हैं उसमें। बंद गाड़ी में से अगर चोरी होती है, गाड़ी अगर लॉक्ड नहीं थी प्रॉपरली तो वो एक्सक्लूड होगा। और अगर खो जाता है फ़ोन, अगर चोरी नहीं होता खो जाता है फ़ोन, तो वो भी ऑब्वियसली इंश्योरेंस में कवर नहीं होता। तो ये अगर आपको पॉलिसी लेनी है तो आप ये न्यू इंडिया के नियरेस्ट ब्रांच में जाकर इसके बारे में डिटेल्स पता कर सकते हैं। इतनी इजीली अवेलेबल नहीं है, इतनी पॉपुलर पॉलिसी भी नहीं है। चलिए हर्ष जी, हमको यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक लिए रुकना पड़ रहा है, पर कहीं मत जाइए आप, हर्ष रुकता जी हमारे साथ जुड़े हैं CEO अपने पैसे.com के आपके इंश्योरेंस से संबंधित प्रश्न के जवाब देने के लिए। कहीं मत जाइए, छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद मनीग्रो में आपका स्वागत है। आज इंश्योरेंस बाजार के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आपके बीमा से संबंधित प्रश्न यहाँ पर उठा रहे हैं, जिनका जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हर्ष रूंगटा जी, जो कि CEO हैं अपने पैसे.com के। आपको भी बता दें किस तरीके से आप इस शो में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने प्रश्न हमारे पास भेज सकते हैं, आपको कोई भी बीमा से संबंधित प्रश्न पूछना हो तो तरीका काफी सिंपल है। आपको हमें एक ईमेल लिखना है, हमारा ईमेल आईडी नोट करें, moneyguru@znetwork.com हमारा ईमेल आईडी है, यहाँ पर आप जाकर अपने डिटेल प्रश्न लिख के भेज सकते हैं, और इसके अलावा हमें टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं, इंश्योर लिखकर टेक्स्ट मैसेज करें, अपना पूरा सवाल जरूर लिखें और साथ ही लिखकर 5 7 5 7 5 पर भेज दें। चलिए इसी बीच अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रशांत जी से, मैं देहरादून से लाइन पे हैं। प्रशांत जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं आप? नमस्कार सर जी, सर मेरी एज 30 ईयर्स होल्ड, मेरे वाइफ की एज 33 जी, और मेरी दो बच्चे हैं, उनकी एज 8 ईयर और 4 ईयर जी। तो मैं इनके लिए सर अपने फैमिली के लिए जी, चलिए आपको बता देते हैं कि किस कंपनी का हेल्थ प्लान लेने से आपको फायदा होता हुआ नजर आएगा। हर्ष जी क्या सलाह देंगे आप, क्या फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के साथ जाना इनके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, या फिर सबका इंडिविजुअल बीमा कराएं? इन्होंने बताया है कि इनकी उम्र 37 साल है, इनकी पत्नी की 33 साल है, और 4 और 8 साल के 2 बच्चे हैं इनके, तो क्या सलाह देंगे हेल्थ पॉलिसी कैसे खरीदें? तो जैसे भी इस प्रोग्राम में कई बार हम पहले भी कह चुके हैं, और अपना पैसा में तो हम हमेशा यही कहते हैं कि इंडिविजुअल पॉलिसी मच बेटर है। जो जो एजेस आपने बताई फॉर एग्जांपल, वो अगर आप 3 लाख का
इंडिविजुअल कवर लेते हैं, हर आदमी के लिए 3 लाख का अगर कवर लेते हैं तो आपके 13,300 रुपये लगेंगे, और 3 लाख का फैमिली फ्लोटर लेते हैं उसका 9,300 रुपये लगेंगे, तो करीबन 4,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन ओवरऑल फैमिली कवर आपका 12 लाख हो गया, पहली बात। दूसरी बात, अगर फैमिली फ्लोटर लेते हैं तो जब आपके बच्चे 21 के हो जाएंगे उस समय वो ऑटोमेटिकली उनको ड्रॉप आउट करना पड़ेगा, जो बड़ा बच्चा है उसके 13 साल बाद ड्रॉप आउट होगा, इस 13 साल के दौरान अगर कोई बीमारी हो गई हो तो हो सकता है कि उसको उस समय में नई पॉलिसी न मिले, तो मेरे ख्याल से इंडिविजुअल पॉलिसी लेना बेटर है। ये थोड़ा सा एडिशनल कॉस्ट लगेगा लेकिन टैक्स डिडक्टिबल है, पहली बात इनके केस में, और क्लियरली आपको ओवरऑल एडिशनल कवर देता है, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जाएगी ये एडिशनल कवर आपको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अपोलो हमने रिकमेंड किया है, इसमें लाइफ टाइम रिन्यूएबिलिटी है और रूम रेंट में कोई सब लिमिट नहीं है। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखें कि अपोलो में ये प्रोविज़न है कि अगर आप कोई कारण से भारत के बाहर निवास करना शुरू कर देते हैं तो पॉलिसी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है, आप जब वापस आएंगे भारत में तो उसको आपको नई पॉलिसी उस समय लेनी पड़ेगी, ये चीज़ का ध्यान रखें। तो अगर आपका प्लान है कभी भी बाहर जाने का तो ये रिकमेंडेशन लागू नहीं होगा। और जी जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाए तो क्या टॉपअप कराने पर भी विचार कर सकते हैं मेडिकम पॉलिसीज को? बिल्कुल, टॉपअप का भी विचार करना चाहिए, अभी भी विचार कर सकते हैं, बाद में भी करना चाहिए। एक अगर आप 5 लाख का टॉपअप लें विद डिडक्टिबल ऑफ 3 लाख, यानी कि अगर जो भी खर्चा होगा वो अगर 3 लाख से ज़्यादा होगा तो पहले 3 लाख आपकी रेगुलर पॉलिसी में से पेमेंट हो जाएगा, और ओवरऑल उसके ऊपर का जो खर्चा है वो आपके टॉपअप में से हो जाएगा। वो बहुत ही सस्ती अवेलेबल है, इनफैक्ट एट लोअर एजेस 5 लाख का जो टॉपअप है ओवर 3 लाख डिडक्टिबल 1,000 रुपया लगता है इंडिविजुअली, सो आई थिंक वो काफ़ी आपके लिए एडवाइसेबल है, उसको भी आपको देखना चाहिए इमीजिएटली या मे बी 1 या 2 साल में। चलिए इसी बीच अगले कॉलर भी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं, संजय जी इस समय लाइन पे हैं ओडिशा से। संजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए। नमस्कार, गुड इवनिंग सर, मेरा नाम संजय बिरलिया है जी, मैं ओडिशा बरगर से बोल रहा हूँ। मेरी उम्र करीब 35 साल है सर, मैं एक टर्म इंश्योरेंस चाहता था जिसमें की करीब 1 करोड़ का कवर हो, और मुझे इसके लिए मतलब कौन सी कंपनी सबसे सस्ते लेवल पे मतलब कम प्रीमियम पे मुझे ऑफर कर रही है? आने वाले 30 साल का टर्म इंश्योरेंस चाहता हूँ मैं जी। आपकी सैलरी कितनी है आप ये जरा बताएंगे? मैं बिजनेस क्लास में हूँ सर, अप्रोक्सीमेटली मैं कोई अराउंड एनुअली मैं 20-21 लाख के आसपास आप उसकी मेरी इनकम पकड़ सकते हैं जी। बिजनेस से आपकी आय है 20 लाख रुपए सालाना, और साथ ही साथ अपने मेडिकल पॉलिसी में प्रीमियम कैसे तय होते हैं इसके ऊपर भी राय जानी चाहिए। चलिए आपको यहाँ पर राय दिला देते हैं, पहले तो आपको टर्म प्लान पे ही राय दिला देते हैं। यहाँ पर 20-25 लाख रुपए साल के कमाते हैं यहाँ पर हर्ष जी, तो क्या 1 करोड़ का इनके लिए प्रीमियम, 1 करोड़ का यहाँ पर इंश्योरेंस पर्याप्त होगा या फिर इनको ज्यादा बीमा लेने की आप सलाह देंगे, और खास तौर से कौन से प्लान्स पे नजर रखें? इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम कैसे तय होता है ये भी जानना चाहते हैं। सो दो चीजें हैं, जहां तक लाइफ इंश्योरेंस का सवाल है, अगर इनके जो इनकम पेपर्स हैं वो सपोर्ट करते हैं जो इनकम 20 लाख या 25 लाख की ये बता रहे हैं, तो इनको क्लियरली ये बहुत कम पड़ेगा, और इनको करीबन अगर दूसरे असेट्स इनके पास नहीं है और कोई फिलहाल, और लाइबिलिटी भी नहीं है दूसरी कोई, तो भी इनको करीबन 2-2.5 करोड़ रुपए तक का पॉलिसी लेना चाहिए, न कि 1 करोड़ का। अगर हम 2.5 करोड़ की बात करें तो रफली अविवा और एगॉन से ये देख सकते हैं 30 साल का टर्म लेना चाहिए, ये करीबन 34 साल के हैं तो 25-30 साल का टर्म इनको लेना चाहिए, और रफली प्रीमियम 25,500 रुपये आएगा, बशर्ते कि ये तंबाकू का सेवन ना करते हों और एकदम परफेक्ट हेल्थ में हो। अगर ये दोनों चीज़ें ट्रू है तो रफली उतना प्रीमियम आएगा। अगर 1 करोड़ का चाहते हैं तो प्रोपोर्शनेटली कम्प्लीटली उतना कम नहीं होगा, करीबन 12-13 हज़ार रुपये लग जाएंगे, 13 हज़ार रुपये के आसपास लग जाएंगे अगर करोड़ रुपए की पॉलिसी ये लेना चाहते हैं, या अगर इनके इनकम पेपर सपोर्ट नहीं करते हैं इससे ज़्यादा का। और साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम कैसे होंगे? तो ऑब्वियसली हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम आपकी एज पे डिपेंडेंट है, इंडिविजुअल प्रीमियम आपकी अपनी एज पे डिपेंडेंट है, और ऑब्वियसली आपकी हेल्थ कंडीशन अगर अच्छी होगी तो, नहीं अच्छी होगी तो शायद आपको पॉलिसी न मिले या लोडिंग के साथ मिले जी। रफली अगर इनके लिए 3 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी देखें तो
तो रफली अबाउट 3,800 रुपए के आसपास इनको 3 लाख की इंडिविजुअल पॉलिसी मिल जाएगी, अपोलो की है। अगेन सेम डिस्क्लेमर है, अगर आप बाहर कभी निवास करने का सोच रहे हैं तो ये पॉलिसी आपके लिए नहीं है, वरना ये अच्छी पॉलिसी है। और टॉपअप आपको देखना ही चाहिए, आपका जो इनकम लेवल है जी, उसके हिसाब से आपको टॉपअप भी इंडिविजुअली लेना चाहिए। न सिर्फ अपने लिए लें, जो भी परिवार के जन आपके ऊपर आश्रित हैं उन लोगों के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस लें। चलिए संजय जी, उम्मीद है कि आपको राय मिल गई होगी। यहाँ पर हमको एक छोटे से ब्रेक ले रुकना है। हर्ष जी जुड़े हुए हमारे साथ आपके प्रश्नों का जवाब देने के लिए, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मनी ग्रो। चलिए इसी बीच नेक्स्ट कॉलम ऐसा लाइन पे जुड़ चुके हैं। जयेश जी इस समय राजकोट से लाइन पे हैं। जयेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, पूछिए अपना प्रश्न। सर मेरा मदर है, 75 इयर्स के एज है और वो हाइपरटेंशन का मेडिसिन भी लेते हैं जी। तो उनके लिए मैं हेल्थ इंश्योरेंस चाहता था, तो कोई भी कंपनी क्या दे सकती है मेरे मदर को हेल्थ इंश्योरेंस? जी आपको राय दिला देते हैं यहाँ पर हर्ष जी। 75 साल उन्होंने उम्र बताई अपनी मदर की और साथ ही हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो क्या इस उम्र में कंपनियां कंफर्टेबल महसूस करेंगे यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस देना, और अगर हाँ तो फिर कौन सी पॉलिसीज इनके लिए उपलब्ध हैं, अपनी मदर के लिए कौन सी पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं? खैर बहुत मुश्किल है 75 की उम्र में, वो भी जब ये हाइपरटेंशन की शिकार है, तो उस समय पॉलिसी मिलना, नई पॉलिसी अब इस उम्र में मिलना बहुत डिफिकल्ट है। ट्राई कर सकते हैं, यूनाइटेड इंडिया में एक सीनियर सिटीजन प्लान है, 3 लाख मैक्सिमम अलाउड है उसमें, और रफली 16,000 रुपये साल का प्रीमियम है। ट्राई करें, उनके ब्रांच में जाके आप ट्राई करें लेने का। ध्यान रहे कि इसमें 1% सब लिमिट है रूम रेंट का, यानी 3 लाख की अगर पॉलिसी लेंगे तो रूम का भाड़ा 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होगा तो वो रिम्बर्स नहीं होगा, और बाकी सारे खर्चे भी उस रूम के हिसाब से रिइम्बर्स होंगे जो कि 3,000 में आ जाता। तो ये चीज़ आप जरा ध्यान रखिए। और एक चीज़ और है कि चूंकि आपकी माताजी की उम्र ज़्यादा हो चुकी है, तो एक अलग से आप फंड भी बनाइए, बिकॉज सिर्फ हॉस्पिटल का ही खर्चा नहीं, कई इस उम्र में जाके डायग्नोस्टिक है और खर्चे बढ़ जाते हैं, तो उसके लिए एक फ़ंड आप सेपरेटली बनाइए। आपको खुद ही बनाना होगा अपने पैसों से, जिसको आप सेपरेट रखिए। मेरे ख्याल से डिपेंडिंग जो भी आपकी स्थिति है उसके हिसाब से ये पैसे आप सेपरेटली 3 से 5 लाख रुपए आप सेपरेटली रखिए, क्योंकि ये जरूरत पड़ सकती है। चलिए एक प्रश्न हमारे पास ईमेल के जरिए आया है वैभव जी का दिल्ली से, ये भी ले लेते हैं, और काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है यहाँ पर हर्ष जी, ट्रैवल इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है। ये जानना चाहते हैं कि 2 महीने के लिए अमेरिका जा रहे हैं और इनके पास जो वीजा है वो 6 महीने का है। अभी जानना चाहते हैं कि अगर अमेरिका में इनको जो ये ट्रिप है अगर थोड़ा लंबा हो गया और ज्यादा अवधि के लिए इनको रुकना पड़ गया अमेरिका में, तो क्या 2 महीने के लिए जो इन्होंने ट्रैवल इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसे एक्सटेंड किया जा सकता है, कि कंपनी ये सहूलियत इन्हें देगी? हाँ, तो कई कंपनियां ये सहूलियत देती हैं, जैसे ICICI लोम्बार्ड है या स्टार हेल्थ है, ये आपको देती है इजाजत कि वहां रहते हुए भी आप पॉलिसी एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन कंपनी के डिस्क्रिशन पे है पहली बात। दूसरी बात, अगर ऑलरेडी क्लेम अराइज हो चुका है तो वो पॉलिसी फिर आपको नहीं देंगे। अगर ऑलरेडी समझो आप 1.5 महीने के बाद कोई कारण से हॉस्पिटल में चले गए हैं, तो ऑलरेडी उस पॉलिसी पे क्लेम है, तो एक्सटेंशन भी नहीं मिलेगा। इसलिए बेटर ये होगा कि जितना मैक्सिमम समय आप रहना चाहते हैं उतने का पॉलिसी ले लें। बजाज अलायंस में इनफैक्ट ये फैसिलिटी है कि आप समझो 6 महीने की पॉलिसी ले लें, और फिर डिपेंडिंग अगर आप 3 महीने से कम पीरियड रहते हैं तो आपको उसका जो है थोड़ा पैसा आपको वापस मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जितना मैक्सिमम पीरियड है उसकी आप पॉलिसी ले लें, और जो अगर कम रहे तो आप रिफंड ले सकते हैं। ये आपको जो है फैसिलिटी बजाज अलायंस में है, तो आप वहां जाकर ये देख सकते हैं। चलिए हर्ष जी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे स्टूडियो में आए और इंश्योरेंस बाजार के ऊपर चर्चा की, और साथ ही साथ दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल यहाँ पर मनी ग्रुप को यहीं पर वाइंड अप करने का समय हो गया है, आप देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा। नमस्कार।